is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with exercise 2.2 of chapter 2 Mathematics NCERT Standard 6. Okay? अब 2.2 में जो भी अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज यूज पढ़ी थी वो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. ठीक है, सबसे पहले फाइंड द सम बाय द सुटेबल रीअरेंजमेंट. जो सम डायरेक्टली ऐड हो जाए, क्विक एडिशन बोलते ना, जो जिसके साथ राउंड ऑफ करता है वो पहले ऐड कर दो, उसके बाद दूसरा ऐड करो ताकि उस चीज इजी हो जाए. कैलकुलेशन इजी कैसे करते हैं वो अपन रीअरेंजमेंट के हिसाब से, कौन सा एडिशन कैसे पॉसिबल वो करते हैं. एक बार सम में देखोगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कैसे करना है. ठीक है, ओके. फर्स्ट है 837 प्लस 208 प्लस 363. प्लीज तीनों को ऐसे लिख के डायरेक्टली एडिशन मत कर देना, जीरो मार्क्स दूंगी मैं भी और स्कूल की टीचर भी, क्योंकि द प्रॉपर्टीज यूज करके रीअरेंजमेंट करना है. प्रॉपर्टीज क्या बोलती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस सी प्लस बी. मतलब आगे पीछे अगर तुम प्लस करते हो तो वैल्यू चेंज नहीं होती, तुम आगे पीछे प्लस कर सकते हो, वैल्यू को इधर उधर कर सकते हो. क्लियर है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है, एडिशन में आगे पीछे कर दो तो फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम ही रहता है. क्लियर है. अब मैं इसमें इजी कैलकुलेशन के लिए यूनिट डिजिट देखूंगी. ये यूनिट डिजिट 7 है, ये यूनिट डिजिट 8 है और ये 3 है. 7 के साथ मैं कौन सा करूंगी कि मेरा राउंड ऑफ होगा, या कौन से दो नंबर को मैं लास्ट वाले को ऐड करूंगी तो जीरो आएगा. Obviously 7 प्लस 3 करते हो 10 आएगा, बिकॉज 7 प्लस 8 करूंगी तो नहीं आएगा और 8 प्लस 3 करूंगी तो भी नहीं आएगा. तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, रीअरेंजमेंट कर दूंगी यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. 837 प्लस 363 प्लस 208 ऐसा लिख दूंगी. अब इनको मैं ऐड करूं, 3 प्लस 7 10 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 10 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12. 1200 आया, 1200 प्लस 208. अब 1200 प्लस 208 तो एकदम इजी हो गया, 1408. जब राउंड नंबर हो तब कैलकुलेट. ये क्या होता है, तुम लोग को डायरेक्ट कैलकुलेशन आना चाहिए, उसकी वजह से अपन रीअरेंजमेंट करते हैं. रीअरेंजमेंट में राउंडिंग ऑफ कर दोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. इधर तक क्लियर, एक बार गोस्ट रुक कर दो सबको. सबके यूनिट डिजिट देखो, कौन सा यूनिट डिजिट किसके साथ राउंडिंग ऑफ करेगा. ठीक है, अब 2 के साथ मैं क्या ऐड करूंगी तो 0 आएगा, 8. तो मैं इन दोनों नंबर को साथ में ले लूंगी, 3 एंड 7 10 बनता है तो इन दोनों को साथ में ले लूंगी. क्लियर है, तो मैं कैसे करूंगी, 1962 प्लस 1538 प्लस 453 प्लस 647. मैंने जो जो नंबर एक दूसरे के साथ सही अरेंज हो सकते हैं उनको अरेंजमेंट कर दिया. अरेंजमेंट नेसेसरी, उसके बाद तो एडिशन इजी है. ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 8 प्लस 2 0 तो 10 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3. ये 3500 आ गया. अब मैं इन दोनों को टोटल करूंगी, 7 प्लस 3 10 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 अगेन 10 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 6 11. इधर तक क्लियर है. मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लिया, बिकॉज इन दोनों के जो यूनिट डिजिट है वो राउंडिंग ऑफ 4 है. इन दोनों के यूनिट डिजिट को ऐड करें तो राउंडिंग ऑफ 4 है. तो मैंने इन दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल कर दिया. अब इन दोनों को टोटल कर दूंगी तो 3500 में अगर मैं 1100 प्लस करूं तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा मेरा 4600. क्लियर है ना, ये इजी कैलकुलेशन के लिए ऐसा रीअरेंजमेंट किया जाता है. सबसे पहले मैंने क्या किया, अब चार नंबर से मेरे पास 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647. अब मैंने देखा कि यूनिट डिजिट में कौन से दो ऐसे नंबर है जिनको बाजू बाजू में लूंगी तो यूनिट डिजिट को ऐड करके जीरो आएगा. तो मैंने 1962 प्लस 1538 कर दिया एंड 453 प्लस 647 कर दिया. सो मैंने 1962 में अगर मैंने 1538 ऐड किया तो 3500 आया एंड 453 में अगर 647 ऐड किया तो 1100 आया. अब 3500 में अगर 1100 प्लस करूं तो क्या आ गया, 4600. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट सम. अभी ये मैंने किया सुटेबल अरेंजमेंट करके एडिशन, अब मैं बताऊंगी सुटेबल अरेंजमेंट करके कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड है.
फाइंड द प्रोडक्ट बाय द सुटेबल रीअरेंजमेंट. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. सबसे पहला क्वेश्चन है बिकॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन को भी सपोर्ट करती है. ठीक है, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी. क्लियर है? ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी. क्लियर है? ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी. इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. मतलब मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू सेम ही रहने वाली है. अगर मैं 2 इंटू 3 इंटू 5 करूं कि मैं 2 इंटू 3 इंटू 5 करूं, 2 इंटू 3 फाइव 15 30 आया एंड 2 3 6 इंटू 5 6 फाइव 30 दोनों सेम आया इज इक्वल टू. समझ आया? तो मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे वैल्यू करने से वैल्यू चेंज नहीं होती, अपन आगे पीछे कर सकते हैं. तो इजी कैलकुलेशन के लिए अपन वैल्यू इधर उधर कर देंगे. क्लियर है? रीअरेंजमेंट बोलते हैं उसको. सबसे पहला क्वेश्चन है 2 इंटू 1768 इंटू 50. अब बच्चा बच्चा जानता है 52 से 100, तो मैं क्या करूंगी 2 इंटू 50 कर दूंगी और फिर 1768, बिकॉज ये अजीब सा नंबर मेरा राउंड ऑफ तो नहीं लेके आने वाला मल्टीप्लीकेशन के बाद. क्लियर है? सो 2 इंटू 50 100, 100 इंटू 1758. ठीक है, 100 इंटू 1768, सॉरी 100 इंटू 1768, तो 1768 इंटू 100 करेंगे. मतलब कोई भी नंबर ऐसा करता तो डबल जीरो खाली ऐड कर दो, अगर 1000 हो तो 3 जीरो ऐड कर देती. ठीक है, तो ये आंसर आ गया 1768 00. एक बार गो थ्रू कर दो इस हमको. ठीक है, अब बी क्या बोलते हैं, 4 इंटू 166 इंटू 25, 4 इंटू 166 इंटू 25. क्लियर है? अब ऑब्वियसली 5 कभी भी कोई नंबर के साथ इंटू होता है, इवन नंबर के साथ 5 कभी भी इंटू होता है तो वो हमेशा राउंड ऑफ ही लाता है. 5 कभी भी इवन नंबर के साथ इंटू होता है तो हमेशा राउंड ऑफ लेके आता है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी 4 इंटू 25 इंटू 166. क्लियर है? 25 फोर 100, 100 इंटू 166 16600. ईजी, देख लो एक बार. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. 8 इंटू 291 इंटू 125. ठीक है, 8 इंटू 291 इंटू 125, तो ऑब्वियसली 5 इवन नंबर, अगेन मैंने क्या बोला था 5 इवन नंबर के साथ इंटू करते तो राउंडिंग ऑफ होता है. तो 8 इंटू 125, बिकॉज इसमें पीछे 1 है, 1 कोई भी नंबर के साथ इंटू करो जब तक 0 नहीं हो किसी का यूनिट नंबर तो फिर 0 आने ही नहीं वाला. क्लियर है? तो 8 इंटू 125 इंटू 291, 125 8 जा 5 8 जा 40, 4 2 8 जा 16 प्लस 4 20, 1 8 प्लस 2 10, 1000 आ गया इंटू 291, सो 291 000. क्लियर है? अगर नहीं पा रहा ऐसा कैलकुलेशन तो तुम लोग डायरेक्टली तुम लोग लिख के करते हो ना, वैसा कैलकुलेशन भी करो साइड में, रॉक नोट में कोई इशू नहीं है. ठीक है, अब 8 इंटू 291 इंटू 125, मुझे पता था कि 5 के साथ कोई भी इवन, अगर 5 यूनिट डिजिट पे है तो उसको कोई भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा राउंड ऑफ ही आता है. सो मैंने 8 इंटू 125 कर दिया एंड उसके बाद उसको 291 के साथ इंटू कर दिया. 8 इंटू 125 मेरा आया 1000 इंटू 291, दैट इज 291 000. क्लियर है? अगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी. 625 इंटू 279 इंटू 16. 5 ऑड या इवन? इवन. समझ आया? 625 इंटू 16 इंटू 279. ऑब्वियसली 16 इंटू 625 तो ओरल आएगा नहीं, लो वर्किंग नॉट करो. 625 इंटू 16, 6 5 जो 33, 6 2 जो 12 प्लस 3 15, 6 6 जो 36 प्लस 1 37, 1 5 जो 5, 1 2 जो 1 6 जो 6, 0 0 0 10000. ठीक है, 10000
इंटू 279 इज इक्वल टू 279 चार बार जीरो, ठीक है, 27,90,000 इज द फाइनल आंसर. इधर तक क्लियर है? 27,90,000. अभी वापस देख लो, 625 इंटू 279 इंटू 16, दैट इज अगर मैं कोई भी यूनिट डिजिट पे 5 है तो उसको कोई भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो अल्टीमेटली मेरा आंसर राउंडिंग ऑफ में आने वाला है. तो मैंने 625 इंटू 16 वर्किंग नोट में किया, मेरा 10,000 आया, मैंने उसको 279 के साथ इंटू किया तो 27,90,000 इज द अल्टीमेट आंसर. क्लियर?